चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, इट्स एनर्जी इज कितना होगा। जैसे एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल है वी वोल्ट, ठीक है, यहां का पोटेंशियल है जीरो वोल्ट, और एक चार्ज है, अज्यूम करें प्लस क्यू चार्ज है यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है फोर्स की वैल्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है अज्यूम करें एस है, ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू होगी क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन तो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये नेगेटिव साइन लगाया जाता है। मैं इसको वी अपॉन एस यूज कर सकता हूं, और अगर मैं ई की जगह वी बाई एस यूज करूं, ई की जगह, ठीक है, ई बाई ई की जगह वी बाई एस, तो क्या हो जाएगा, ये एस एस कट जाएगा और ये आ जाएगा Q into V, तो वर्क डन जो किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने जो वर्क डन किया वो Q into V के इक्वल होता है। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।